Hello friends, so welcome to our YouTube channel GK Fans, a place to learn general knowledge. So today's our topic is what is operating system. So aaj hum discuss karenge what is operating system. Computer ka topic hai ye, bahut hi zyada important topic hai. Aur agar aap hamari video first time dekh rahe hain to hamare channel ko subscribe zarur kar le. So chaliye shuru karte hain aaj ka topic. So today's topic is introduction to operating system. सो हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और हम क्या क्या सीखेंगे आज. व्हाट वी विल लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन एंड व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एवोल्यूशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शन कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस एंड मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो let's begin operating system. So what is operating system? Operating system is a software. kya hai ye? Ek software hai. It is a software which makes a computer to actually work. So operating system kya hota hai? Ek software hota hai jo kya hai computer ko working karata hai, properly working. agar aapke computer mein operating system nahi hoega, sorry, yes, operating system is a software which makes a computer to actually work. So एक ये software होता है operating system जो क्या है computer को properly work करवाता है. So अगर आपके पास computer है but आपने उसमें operating system install नहीं किया तो वो क्या है only hardware है, आप उससे कोई काम नहीं ले सकते. जब आप market से purchase करके लाओगे so उसमें firstly आपको operating system install करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर. दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसकी टाइप्स क्या है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर. आगे देखते हैं, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स ऑल द प्रोग्राम्स वी यूज़. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सभी प्रोग्राम्स, जो भी कंप्यूटर में और प्रोग्राम्स होएंगी उनको इनेबल करेगा कि वो काम कर सकें. जैसे आप MS Word यूज़ करना चाहते हो, MS Excel यूज़ करना चाहते हो, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो तो आप तभी यूज़ कर पाओगे अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है. थर्ड वन, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है पूरे हार्डवेयर को, उसके मदरबोर्ड को, उसके CPU को, उसकी RAM को, ROM को, इसकी हार्ड डिस्क को, जो भी उसका हार्डवेयर है, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड मशीन हार्डवेयर. सो एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से होंगे, जैसे आप, मैंने आपको बताया है कि आप MS Word यूज़ करना चाहते हो अगर, और आप MS Excel यूज़ करना चाहते हो और आप इंटरनेट चलाना चाहते हो गूगल क्रोम के थ्रू. सो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आप तभी यूज़ कर पाओगे अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है. सो ये इंटरफेस का काम करता है. सपोज़ यहाँ पे हार्डवेयर है और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये दोनों तभी वर्क करेंगे जब इनके बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लोगे. जब आपने OS इंस्टॉल कर लिया तो आप क्या है, इस हार्डवेयर के ऊपर आप क्या है एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला पाओगे. अभी इसके टाइप्स देख लेते हैं. काफ़ी टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है. मोस्टली द मोस्ट कॉमन यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़, जो सभी यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ अ विंडोज़ एंड इट इज़ अ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. सो इसके अलावा और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ये लाइनक्स और यूनिक्स ये डेवलपर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. और ये मैक होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज़ होता है एप्पल के लैपटॉप्स में. अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, मैक. इसको बोलते हैं मैकिंटोश. सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज. सो क्या क्या काम करता है ये, प्रॉपरली जो भी
ओवरऑल वर्किंग जो भी कंप्यूटर में होती है जिसको कंट्रोल करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यो कंट्रोलिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी, यो मेमोरी को एलोकेट करना कंट्रोल करना वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सिस्टम में जो भी रिक्वेस्टें आएंगी उसकी प्रायोरिटाइज सेट करना, प्रायोरिटी सेट करना कि कौन सी रिक्वेस्ट को पहले करना है कौन सी को बाद में, ये सारा कौन देखेगा? ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो भी आपका कीबोर्ड है माउस है वो ये हमारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइसेस। और जो आपका मॉनिटर है प्रिंटर है स्पीकर्स है ये क्या हो गया? आउटपुट। इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट फैसिलिटेट नेटवर्किंग, अगर आपके दो कंप्यूटर अटैच है तो उनके जो नेटवर्किंग की हुई है उसकी कंट्रोलिंग भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट आल्सो मैनेज फाइल सिस्टम, जो भी आपका फाइल सिस्टम बना हुआ है आपने ड्राइव्स बनाई हुई हैं सी ड्राइव डी ड्राइव, इसको मेंटेन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसके सेंटर में क्या आ गया जी? हार्डवेयर। जैसे आप मार्केट से कोई सीपीयू खरीद लाए उसमें मदरबोर्ड है सीपीयू है रैम है और हार्ड डिस्क है, वो क्या हो गया आपका सारा हार्डवेयर। आप उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे, फर्स्टली आप क्या करोगे उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे। जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया तो उसके साथ में क्या आएंगे आपके साथ? सिस्टम प्रोग्राम। इसमें होंगे जैसे कंपाइलर असेंबलर लिंकर, इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसमें आ जाएंगे इस कैटेगरी में। और उसके बाद आएंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये आपकी चॉइस है जो जो भी आपको चाहिए, यूज़र के ऊपर डिपेंड है। सो जो भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कोई डिज़ाइनर है तो वो क्या है फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लेगा, और अगर किसी को न्यूमेरिकल कोई काम करना है कैलकुलेशंस करनी है तो वो MS Excel इंस्टॉल कर लेगा, अगर किसी को लेटर टाइप करने हैं तो वो क्या है MS Word इंस्टॉल कर लेगा। सो कोई भी एप्लीकेशन आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो सिस्टम प्रोग्राम जरूर याद रखने हैं, कंपाइलर असेंबलर और लिंकर, ये सभी क्या हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स। सो इनको मैं डिटेल में इनकी अलग से वीडियो बना दूंगा। सो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये बेसिक डायग्राम है, यह है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हार्डवेयर में क्या आ गया, लाइक सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? एक चिप होती है छोटी सी जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू। बेसिकली ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं सीपीयू, जो चिप होती है उसमें होती हैं। और एक होती है उसमें मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद आ जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर स्कैनर्स, ये क्या हो गए आपके? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये हो गए आपके हार्डवेयर्स। उसके बाद आता है सेकंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द प्रोसेस मैनेजमेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स होते हैं, रूटीन्स बोलते हैं प्रोग्राम्स को। प्रोसेस यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस जनरेट होती हैं, सो उनको कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को भी यही मैनेजमेंट करता है, मेमोरी की मैनेजमेंट भी यही करता है, और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और फाइल मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम प्रोग्राम्स, इसमें क्या आ जाते हैं आपके? कंपाइलर असेंबलर लिंकर। सो जैसे कोई आप कोडिंग कर रहे हो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सो उसकी कोडिंग आपने कर ली, उसके बाद क्या करते हैं उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल मींस आप चेक करते हो कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसकी कंपाइलेशन करते हैं आप, तो वो करते हैं हम कंपाइलर के थ्रू। असेंबलर होता है पहले हम यूज़ करते थे बाइनरी लैंग्वेज जो 0-1 की फॉर्म में होती थी, इट वाज नॉट अ यूज़र फ्रेंडली। सो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ गई, और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी सी प्लस प्लस जावा। सो असेंबलर यूज़ होते थे असेंबली लैंग्वेजेस को डिकोडिंग करने के लिए। सो इस तरह के सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है लिंकर, ये भी लिंकिंग करता है प्रोग्राम्स की। उसके बाद आ गई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स,
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको इजी इजी बता दिया, आप फोटोशॉप हो गया, जैसे आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो, उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, और आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन कैसे हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का? द एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेंट थ्रू द सेवन मेजर फेसेस। सो उसमें सेवन मेजर फेसेस आए हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिक्स ऑफ देम सिग्निफिकेंटली चेंज द वेज इन विच यूजर असेस द कंप्यूटर्स थ्रू ओपन द शॉप एंड बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, पर्सनल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सो ऐसे ऐसे इसकी एवोल्यूशन हुई, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इन द सेवन्थ फेज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कंकरेंट प्रोग्रामिंग वी कंकरेंट प्रोग्रामिंग वर डिवेल्प एंड डेमोस्ट्रेटेड इन द मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जो सेवन्थ फेज है उसमें कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग आ गई, कि जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में कंकरेंटली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। कॉन्करेंटली मीन्स होता है कि पैरलली, कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ पे चला सकते हो, तो इसको बोलते हैं कंकरेंट प्रोग्रामिंग। सो जो अब मॉडर्न मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज का हम यूज़ कर रहे हैं, उसी में ये क्या है, हम ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग वाला। चलिए देखते हैं, पहले आ गई बैच प्रोसेसिंग। द बैच प्रोसेसिंग सेम टाइप ऑफ जॉब्स बैच दे आर सेट टुगेदर एंड एग्जीक्यूट एट अ सेम टाइम। सो पहले क्या होती थी, बैच प्रोसेसिंग होती थी, उसमें क्या होता था, सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स, जॉब्स होते हैं कोई भी काम, कोई भी टास्क जो सेम टाइप के होते थे उसको डाल देते थे, हम एक बैच बना देते थे, उनको एक इकट्ठे डाल देते थे टुगेदर, एंड दे वर एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। सो जब हम कोई सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होगी तो उसको एक बैच में डाल दिया और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वेरी सिंपल, सिंपल था बिल्कुल, और उसका काम क्या था, टू कंट्रोल टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू नेक्स्ट। सो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता था, कि जो एक बैच बना हुआ है, सो एक जॉब से दूसरे जॉब के ऊपर जो उसका कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र कर देना, जो भी कंट्रोल होता था उसको ट्रांसफ़र करते थे वन बाय वन। सो इस तरह का सारा बैच क्या क्लियर हो जाता था। उसमें क्या था, आप डायरेक्टली कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाते थे, आपको जो जॉब्स थी सबमिट करनी पड़ती थी कंप्यूटर ऑपरेटर को, वो उसको एक पंच कार्ड में सेव कर देता था और कुछ समय के बाद उसकी आउटपुट आती थी। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज रेजिडेंट इन अ मेमोरी। सो जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ऑलवेज वो मेमोरी में होता था, और मोस्ट कॉमनली जो इनपुट डिवाइस थे वो हम यूज़ करते थे कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइव्स। सो अगर आपको कोई डाटा इनपुट करना है तो आप यूज़ करते थे कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइव्स। आउटपुट डिवाइसेस वर प्रिंटर, प्रिंटर होते थे लाइन प्रिंटर्स, टेप ड्राइव्स एंड कार्ड पंचेस। एंड यूजर्स डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। सो यूजर्स क्या है, डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ काम नहीं कर सकते थे, वो प्रिपेयर करते थे अपनी जॉब को, जैसे उसमें कोई प्रोग्राम हो गया, उसका डाटा हो गया और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी, सो वो क्या है कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देते थे, और वो क्या है जो कंप्लीट बैच होता था उसको एग्जीक्यूट करवा देता था। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद कंसेप्ट आया मल्टी प्रोग्रामिंग का। इसमें क्या हुआ, इट इज़ अ टेक्निक टू एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली बाय सिंगल प्रोसेसर। इसमें क्या था, कि जो आपके नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता था साइमल्टेनियसली, कि इकट्ठे उनको साइमल्टेनियसली उससे काम लिया जाता था, बट वहाँ पे होता था सिंगल प्रोसेसर। सिंगल प्रोसेसर से आप मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते थे। इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोसेसर रिजाइड इन अ मेन मेमोरी। सो जितनी भी आपकी प्रोसेसर होती थी उसको मेन मेमोरी में रखा जाता था, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वन बाय वन पिक करता था, इट पिक्स एंड बिगिंस एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब इन द मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी में जितनी भी जॉब्स हैं उसमें वन बाय वन उठाता जाता था सीपीयू और उसको एग्जीक्यूट करता जाता था। अगर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती थी,
तो सीपीयू क्या है, अगली जॉब के ऊपर काम करना शुरू कर देता था। सो सीपीयू इट स्विचेस फ्रॉम दैट जॉब टू अनदर। जब एक जॉब पे काम कर रहा है उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो सीपीयू क्या स्विच कर देता था अगली जॉब के ऊपर। एंड इसका रिजल्ट क्या था, सीपीयू इज़ नॉट आइडल एट एनी टाइम। कि सीपीयू बिल्कुल फ्री नहीं बैठता था, आइडल स्टेट में कभी नहीं होता था, वो स्विच करता रहता था। सो इसकी डायग्राम बताते हैं, लाइक ये मेन मेमोरी है। सो यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, इसका कंट्रोल क्या है, सीपीयू को देता था 1 बाय 1। सो 1 बाय 1 वो क्या है, उसका कंट्रोल सौंपता रहता था। जैसे पहले यहाँ पे काम चल रहा है सीपीयू का, फिर यहाँ पे चल रहा है। सपोज़ इसको अभी किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़गी तो सीपीयू क्या है यहाँ पे स्विच कर देगा। सो इसमें क्या होता था, मेमोरी की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होती थी, इफ़िशेंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। इसमें क्या, आउटपुट भी इंक्रीज़ हुई और सीपीयू कभी भी फ्री नहीं बैठता था। इट इज़ नेवर आइडल एंड परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। उसके बाद आई टाइम शेयरिंग। सो टाइम शेयरिंग क्या है, द टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय स्विचिंग द सीपीयू बिटवीन देम। इसमें क्या होता था कि मल्टीपल जॉब्स होती हैं और सीपीयू क्या स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इसमें क्या है, सभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। जैसे 2 2 सेकेंड सभी को दे दिया सीपीयू को। सो आफ्टर एवरी 2 सेकेंड सीपीयू स्विच करता रहेगा सभी प्रोसेसेस में। इससे क्या होगा कि यूज़र को ऐसे लगता है कि सीपीयू सारी प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली चला रहा है, पर सीपीयू क्या है इतनी ज़्यादा फास्ट स्विच करता है सभी प्रोग्राम से। सो मल्टीपल जॉब्स को वो एग्जीक्यूट करता है एट अ सेम टाइम। सो इन दिस सीपीयू टाइम इज शेयर्ड बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस। सो सीपीयू टाइम क्या है, शेयर किया जाता है एंड इट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम। सो इसमें टाइम स्लाइस जो है डिफाइन की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सो जैसे कि इसको 2 सेकंड देने हैं, इसको 5 सेकंड देने हैं, इसको 4 सेकंड देने हैं, ये डिफाइन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल होगी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसके फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। प्रोग्राम भी क्रिएट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी एग्जीक्यूशन करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी यही करता है, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन, ये सारे तरह के काम कौन करता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन करना चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डिवाइड कर सकते हो सिंगल यूज़र सिस्टम और मल्टी यूज़र सिस्टम। सिंगल यूज़र, सिंगल मीन्स कि उसको एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है, कि ओनली वन पर्सन उसको यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं हम सिंगल यूज़र। अगर आपके पास ऐसा कंप्यूटर है उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकें, कि आपके पास एक कंप्यूटर है उसको क्या है 10 पर्सन यूज़ कर रहे हैं या 100 100 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम। सो ऐसा कैसे पॉसिबल होएगा, सो सपोज़ आपके पास एक सीपीयू है, वो सिंपल नहीं है, वो लाइक अ मेन फ्रेम कंप्यूटर है। उसके उसके साथ आप LEDs अटैच कर दोगे, कि आपने 10 LEDs अटैच कर दिए और 10 कीबोर्ड माउस अटैच कर दिए, बट आपके पास सीपीयू है वो क्या है सिंगल है। आप क्या है वो 10 पर्सन उसको एट ए सेम टाइम यूज़ कर पाएंगे, उसको बोलते हैं हम मल्टी यूज़र्स। अगर मोस्टली जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो होते हैं सिंगल यूज़र, उसको क्या है एक पर्सन ही यूज़ कर पाता है सिंगल यूज़र सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, ओनली वन यूज़र कैन यूज़ एट अ टाइम, कि ओनली एक पर्सन यूज़ कर पाता है। मोस्ट प्रॉपरली यूज़ होते हैं ये। और इसमें क्या आता है डेस्कटॉप, कि जैसे आपके पास घर पे डेस्कटॉप है वो क्या है सिंगल यूज़र यूज़ कर रहा है, उसको बोलते हैं सिंगल यूज़र। नेक्स्ट मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में होता है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसको यूज़ कर पा रहे हैं, कि जैसे आपके पास कोई डाटाबेस है और उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर पाते हैं मल्टीपल मल्टी यूज़र सिस्टम में। इसकी एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो ये होगी यूनिक्स। ऑल द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र सिस्टम। ये भी मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये भी इसकी कैटेगरी आ जाती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं मल्टीपल यूज़र्स
multi-user systems. So thank you for watching this video. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल के नीचे ऐसे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, सो उसके ऊपर आप क्लिक कर दें. सो आपके लिए मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, सभी कंप्यूटर के टॉपिक में कवर करने वाला हूँ. सो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी ज़रूर दबा दें. और अगर आप मेरी कोई भी जीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जीके फैन लिख के यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो सर्च मार सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.